साथियों, आज हम बात करेंगे शेयर मार्केट की। साथियों, हम सब जानते हैं कि जो शेयर मार्केट में जो भी खरीद बिक्री होती है, खास तौर से कैश की डिलीवरी में, उसका 70-80% हिस्सा जो है वो बड़े निवेशकों के पास रहता है, जिसमें अगर हम बात करें मार्केट के ड्राइव करने की, तो ये FII हैं जिनके पास विदेशी फंड होता है। लोग उन फंड हाउसेज में अपने पैसे जमा करते हैं और ये फंड हाउसेज इस विदेशी पैसे से ग्रोथ लाकर उन्हें लाभ पहुंचाते हैं। और अगर उन जमा करने वाले विदेशी लोगों के पैसे में ग्रोथ नहीं होगी तो वो उस फंड हाउस से पैसा निकाल लेंगे। इसलिए इन फंड हाउसेस पे एक तरह का दबाव होता है ग्रोथ को जनरेट करना। और साथियों, हम जानते हैं कि भारतीय शेयर बाजार में भी यही फंड हाउसेस इसको ड्राइव करते हैं। और साथियों, इसका परिणाम ये होता है कि जब तमाम कंपनी इंडस्ट्री इनके व्यवसाय में निश्चितता नहीं रहती, निश्चित नहीं रहते, अनिश्चित सा माहौल होता है, तो ऐसी दशा में इनके लाभ पर भी असर पड़ता है जो प्रेडिक्टेबल नहीं होता, जिसको हम प्रेडिक्ट नहीं कर पाते। और जब ऐसी कंडीशन होती, ऐसी स्थिति होती है, तो हम इंडस्ट्री के, उसके शेयर्स के जो फंडामेंटल्स हैं, उनके आधार पर यदि हम कोई निर्णय लेते हैं और जब बाजार को देखते हैं तो बाजार में कुछ और ही दिखता है। दूसरे शब्दों में कहें तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी फंडामेंटल एनालिसिस जो है वो फेल हो जाती है। लेकिन साथियों, ऐसे समय में, ऐसे अनिश्चित बाजार के समय में जो टेक्निकल जो है, टेक्निकल्स जो हैं वो काम करने लगते हैं। COVID-19 की महामारी आई, खास तौर से अमेरिका में, US में बेल आउट पैकेज के तहत अरबों डॉलर, करोड़ों डॉलर डाले गए। उन्हें डॉलर छापने की जरूरत नहीं है, कंप्यूटर के एक कीबोर्ड से उसकी कुछ की काम कर देती है और पैसा डॉलर के रूप में डिपॉजिट हो जाता है और यही पैसा दुनिया के बाजारों में जाता है। तो साथियों, इस कोविड महामारी से लेके अब तक दुनिया के तमाम इंडस्ट्रीज पे यही असर हुआ है और यही कारण है कि हम भारतीय शेयर बाजार में भी उथल पुथल की स्थिति देख रहे हैं। कोई भी फंडामेंटल एनालिसिस बाजार के वास्तविक स्वरूप से मेल नहीं खाता। फंडामेंटल कुछ कहते हैं, बाजार कुछ कहता है। साथियों, ऐसे समय में ये जो बाजार के जो बड़े निवेशक हैं, ये कैश डिलीवरी में लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं करते। इनका साथियों शॉर्ट टर्म का नजरिया होता है और जब शॉर्ट टर्म का नजरिया होता है तो ये कैश की डिलीवरी में कंपनीज के शेयर्स को भारी मात्रा में नहीं उठाते। बस ये कुछ अवधि के लिए उसमें मार्केट को चलाते रहते हैं, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। और साथियों, जैसा मार्केट का स्वभाव है कि 200-400 पॉइंट ये ऊपर नीचे करता रहता है और इसी फ्लक्चुएशन से, इसी वोलेटिलिटी से, यही वोलेटिलिटी क्रिएट करके वो मनी जनरेट करते रहते हैं और जिसमें अधिकांश छोटा निवेशक फंसता है।
साथियों, यदि वो मनी रोटेट नहीं करेंगे तो उनके पैसे की ग्रोथ रुक जाएगी, ग्रोथ नहीं होगी। आपने देखा होगा कि जब ऐसी अवधि होती है, बाजारों की ऐसी अवधि होती है, इंडस्ट्री की इस तरह की कुछ हालतें होती हैं, ऐसे उनके फंडामेंटल्स जो फाइनेंशियल हैं वो इस तरह से होते हैं, उनका प्रोडक्शन कुछ इस तरह का अनिश्चित होता है, तो ये सब काम मनी रोटेशन के लिए चलता है और उससे कुछ पैसा जनरेट करने के लिए सारे काम बाजार में होते हैं। तो साथियों, कुछ भारतीय बाजार भी इसी तरीके से हैं, और जब ऐसा समय आता है तो शेयर्स के डिलीवरी के स्थान पर स्पेकुलेशन शुरू हो जाता है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस डेरिवेटिव, इसके थ्रू मैक्सिमम ट्रेड इसके थ्रू होता है, और यही शेयर के वास्तविक मूल्य को ऊपर नीचे करता है। जब ऐसी कंडीशन होती, ऐसी स्थिति होती है, जब लॉन्ग टर्म के स्थान पर बड़े निवेशकों का शॉर्ट टर्म का नजरिया होता है, तो बाजार में भी ऐसी उथल पुथल होती है। साथियों, अगर आप ध्यानपूर्वक देखें तो बाजार के जो मजबूत शेयर हैं, जो काफी फंडामेंटली स्ट्रांग शेयर हैं, उनका पी, उनकी वैल्यू काफी अधिक है। अगर इनका इंट्रिंसिक वैल्यू देखें तो ये 4-4, 5-5, 6-6 गुना महंगे। और जब ये कंडीशन होती है तो एक छोटा निवेशक इन्हें खरीदने में डरता है, और ऐसी दशा में वो उन शेयर्स की तरफ चला जाता है जो मार्केट में ड्राइव किए जा रहे हैं, और वो जाता इसलिए है ताकि इस दरों की ऊपर नीचे जाने से वो भी लाभान्वित हो सके, उसे भी लाभ भविष्य में हो, लेकिन ऐसा होता नहीं। तो साथियों, आप यदि बाजार में हैं तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें, शेयर्स के डिलीवरी के परसेंटेज के स्थान पर आप उसके वॉल्यूम को देखें, क्योंकि जब डिलीवरी के वॉल्यूम्स औसत से अधिक हो जाते हैं तो इसका सीधा सा अर्थ है कि आप ये मान सकते हैं कि जरूर उस शेयर में कुछ ऐसी बात है, उस इंडस्ट्री में ऐसी बात है कि भविष्य में उसकी ग्रोथ होना निश्चित है, और आप उसे जानें, समझें, खोजें, जानने की कोशिश करें। साथियों, मुझे लगता है कि अभी ये मार्केट इसी तरह चलेगा, क्योंकि वर्तमान समय में भी यूएस में बेल आउट पैकेज के तहत यूएस डॉलर बिलियन में डाले जा रहे हैं। इसमें से एक राशि दुनिया के बाजारों में आएगी, और जब तक ये लिक्विडिटी मार्केट में इनफ्लो होती रहेगी, बहती रहेगी, ये मार्केट इसी तरह ड्राइव करेगा, इसी तरह जाएगा। ये 1,000-1,200 की जो रेंज है, इसके बने रहने की पूरी संभावना है, और ऐसे समय में एक छोटे निवेशक को फूंक फूंक कर कदम रखना पड़ता है, क्योंकि उसकी एक गलती, एक उसका गलत व्यवहार उसकी पूंजी को गंवा सकता है। इसलिए साथियों, आप कंपनी पर बहुत ध्यान रखें।
उसके फाइनेंशियल एनालिसिस दो चार क्वार्टर्स की करें, उसके व्यापार को समझें और पूरा पक्का अनुमान लगाने की कोशिश करें कि भविष्य में वो कंपनी ग्रोथ में आगे रहेगी। सावधान रहें, सतर्क रहें ऐसे बाजार में जहां उथल पथल हो, क्योंकि ऐसी लिक्विडिटी के बीच अपने आप को सुरक्षित रख पाना थोड़ा मुश्किल होता है। आप इसको जरूर ध्यान में रखें, निवेश करें, समझदारी से निवेश करें, देख समझ कर निवेश करें, निवेशित रहें और अपने ग्रोथ के इंजन को दौड़ाते रहें। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।